बाबा जी की दाढ़ी और बाल इस सरकार ने पाड़ रखे हैं, बस उधर हमारे पास सबूत है। और जितनी भी गौशाला है, सबसे एक सवाल खड़ा हो रहा है, बात ये खाल का मामला तो दबाया जा रहा है कि 80% गौशाला दान खा रही है और 20% गाय पे भी नहीं लग रहा। वजह कहाँ है? लाखों करोड़ रुपए गौशालाओं के खाता में है और गाय रोड पे मर रही है। समाज दे रहा है 80-70-60% पे पर्ची कटवा रहे हैं। एक एक गौशाला का संचालक का 5-5 लाख रुपए खर्चा है। कहीं ये बात उजागर ना हो जाए, इस मामला को दबाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है जी। ये 50-50 लाख की गाड़ियां में चल रहे हैं और गौ माता की दुर्दशा देखो अब क्या हो रही है जी। ये जी जो गौशाला का मैटर, जब एक देखो गौशाला का मैटर नहीं है ये, पहले भी जांच के आदेश दिए, आश्वासन दिया जब बाबा जी अनशन पे बैठे, 13,000 नंदी 3 साल के अंदर मरे। आज तक जांच नहीं हुई कि 3 साल के अंदर 13,000 नंदी मर सकते हैं क्या? ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। जिन गौशालाओं में पहले 250 करोड़ रुपए अकाउंट में पड़े हैं वो रोड की गाय नहीं उठाते। अगर सरकार उनसे बात करती है तो 1,000 गाय उठ रहे हैं, क्योंकि वहीं पर गाय मारने का इससे सुरक्षित, इससे बढ़िया तरीका नहीं मिल सकता। गाय को खत्म करने का तरीका यही है और यही नीति गौशालाओं ने अपना ली है। आप कहीं भी जाओगे, किसी से पूछोगे, आपसे आवश्यकता मांगोगे, कोई नहीं देगा आपको, गोली मारने की धमकी दे जाएगी, आपको वहां पर खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। आप हर गौशाला का इतिहास डालो, 400 करोड़ 250 करोड़ और 100 करोड़ की तो जींद में कई गौशालाएं हैं और ये तो राष्ट्रीय गौशाला है। कहाँ क्या कमी है इसके अंदर? करोड़ों रुपए बजट पड़ा है, यहाँ पर दफनाने के लिए जमीन नहीं है। जमीन है क्यों नहीं है? आरा के लिए और ठेका पे ले लो। अगर प्रधान 33 लाख रुपए की गाड़ी में चल सकता है तो 10 लाख रुपए की जमीन ठेका पे नहीं ले सकता क्या? 10 लाख रुपए की जमीन ठेका पे ले लेता। 45 चाहिए भाई साहब, एक बात बताओ, आपका काम करता है, कड़वा काम है। 40 किले दे रखे इन तय लोगों में, अभी लताब दे हां जमीन भर जाए 40 किले में सारे रहने 45 एकड़ जमीन है। देखो बात ये है, इस इन गौ माता मरवाने में सरकार का पूरा सहयोग है। सरकार ने पता है ये गौशाला में गाय बेच रहे हैं, व्यवस्था सो की है तो वहां 500 भर देते हैं, कुछ मरती है, भूखी मरती है। जब इसकी अपनी जमीन ही दाब रहे हैं, वो जमीन क्यों नहीं खाली करते? जब लग गोचर खाली नहीं होगी गाय नहीं बचेगी, और गाय बचानी है तो गोचर के लिए आवाज उठानी पड़ेगी जी। अपने प्राण की बलि दे दोगे माँ के लिए तो आप सीधे सुरक में जाओगे, गोदाम में जाओगे। मैं अगर गौ माता के लिए एक माँ एक बेटा अपनी माँ के लिए प्राण नहीं दे सकता क्या? अपने नहीं दे सकते बताओ? हाँ फिर तो उसका उसका आकर उसका दिल हुआ उसकी जमीन, वो तो बोल नहीं सकती बेचारी, मैं भूखी हूँ, मैं उसकी जमीन दाब रखी है ना, गौ माता की जमीन दाब रखी है, वो जमीन खाली कराओ। एक एक बच्चे से आह्वान करता हूँ, ये जो बच्चे आज जितने भी हैं ना क्रांतिकारी बच्चे हैं ना, उसकी जमीन खाली कराओ भाई, माता की गोचर खाली करवाओ। गोचर जब न खाली नहीं होगी जब लग आए नहीं पड़ेगी। 5,000 करोड़ रुपए टर्न ओवर है जी साल का गौचर भूमि का। सरकार 10% भी गाय को नहीं दे रही है, गौशाला वाले 20% गाय को नहीं दे रहे हैं, तो गाय का दान कहाँ जाता है? जहाँ पार्टियाँ राजनीतिक पार्टियाँ रैली करती हैं, कोई भी पार्टी हो चाहे जी, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता हूँ, कोई भी पार्टी हो जी, वहाँ सबसे पहले एक बात कही जावे है, गौ माता की जय। ऐसा है जी, सुनो मेरी बात, जितने भी राजनीति दल है कोई भी, आज तक आपने एक बात सुनी? बाबा जी एक मिनट, एक बात बताओ, जितनी भी रैलियां होती है बुड्ढों की पेंशन बढ़ाने के लिए 7,000 रुपये रुके मारे जावे, गाय का जिक्र है कहीं? अगर ये राजनीति वाले चाहते, जितने ये होल्डिंग लगाते हैं ना, इतने तो गौ माता खाती भी नहीं है, रोड पे नहीं आती, कोई नहीं चाहता जी। राजनीति वाला नेता तो चाहते है गाय कटे, वो एक एक नेता 1,000 गाय के बराबर बादाम खा जाता है और कितना तेल फूकता है पीछे, गाय से मतलब नहीं है, समाज का भला की बात, समाज की रीढ़ की हड्डी गाय है, जब तक गाय नहीं बचेगी समाज का भला कहां से होगा? बताओ कौन सा राजनीति दल आज तक गाय के सामने आया कि खुल के कि मैंने गाय बचानी है? किसी ने आज तक कोई बयान सुना है? किसी का नहीं सुना है, ना ही सुनाएंगे जी, ना ही गायें बचाने का उनका आदेश। 5,000 करोड़ रुपए जो सरकार साल के खाती है, वो 5,000 करोड़ रुपए कहां जाते हैं जी? गौशालाओं के अब के एक साल का बजट, भाजपा सरकार का संदेश था गाय को जीवनदान और मोदी को मतदान, भाजपा का यही संदेश, बचेगी गाय बचेगा देश। कहाँ गए भाजपा वाले, कहाँ गई वो गाय?
आज हजारों करोड़ रुपए के मंदिर पे लगा दिए, हम राम के भगत हैं, हमारा भी आराम है। क्या गाय के लिए नहीं लगा सकते वो? आज मिट्टी दिलवाने के लिए गाय में ठेके तो दिए जाते हैं, ठेके तो हर जगह दिए जाते हैं, कागजों में पैसे जाते हैं, मिट्टी डलवाने के लिए गाय के लिए मशीन नहीं है जी। और जितने भी प्रधान है ये जो बड़े बड़े प्रधान है जो गौ माता की याद में गुंडागर्दी करते हैं, क्योंकि उनमें दम नहीं है खुल के गुंडागर्दी करने का, वो सिर्फ गाय की याद में कर सकते हैं। और हमारे सामने लाए, हम बताते हैं गाय कैसे बचेगी, हमारा प्रैक्टिकल है। हम गाय चराते हैं, हम किसी से भीख नहीं मांगते, क्योंकि गाय देने वाली है, गाय लेने वाली नहीं है। इन्होंने तो एक षड्यंत्र रच दिया कि हजारों करोड़ बनाओ और समाज को आंख दिखाओ। आधा से ज्यादा बाबे मैं दिखाता हूँ सबूत सहित, जो गायें कटवाते पकड़े हैं वो आज 100-100 गायें के प्रधान है, 100-100 गौशालाओं के। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर कोई बोलेगा तो उसकी गिनती दबाई जाती है उसको। उस प्रशासन की बात करो, आज मैं करवाता हूँ FIR, 4 गौशालाएं मेरी नजरों में भाई, करोड़ों की गौशाला मैं करवाता हूं, करो प्रशासन FIR दर्ज। आप लोग दो साथ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने पैसा कौन देगा? ये राजनीतियों खर्चे कहां से पूरे होंगे? ये सब गाय का ही चलता है। ये जो 5,000 करोड़ रुपए की बात है और आज 400 करोड़ की बात है, 9 साल में कितना दिया? 2% भी नहीं दिया, 2% भी। और वही भगवाधारी सरकार, हिंदूवादी सरकार। अरे जो हिंदू गाय से स्टार्ट होता है और गाय से ही खत्म होगा, उस गाय के पास क्या है? खाली राजनीति दिखाने के लिए है जी। कोई गाय का भला नहीं चाहता, अगर गाय का भला चाहते तो 2015 में यहाँ ट्रक फूका था, खाल का गोरक्षा दल ने फूका था, जब वो प्रधान कहाँ चले गए? क्यों नहीं बीड़ा उठाया? और उधर चले जाओ, मेरा गांव है, मेरे गांवों में 24 गांव की गौशाला है। गांव कौन सा है? मेरा गांव जन्मभूमि सुरबरा है जी, बाबा फुल्लू साध गौशाला में मामला उठा था, वहां भी दबाया गया। क्योंकि ये जो बड़े कुत्ते हैं ना, इनकी बेइज्जती कर दी, कोई भी पा रहा है और ढूंढी देते, इतना बुंडा काम हो रहा है। एक एक गौशाला करोड़पति है, क्या काम कर रहे हैं? वहां के मेंबर प्रॉपर्टी डीलर बन गए और गाय के पेट, गाय को मारने की सबसे बड़ी साजिश है ये, और सरकार इसमें साथ दे रही है। गौशाला वाले चाहते हैं, अगर समाज गाय का भला चाहता है तो एक बारी आप गहराई से सोचो तो। अरे गाय किसी का लेरी क्या है भाई? आप 40 दिन किसी भी मंदिर में जल चढ़ाने जाते हो, क्या वो भोले बाबा आके खड़े हुए हैं कभी किसी को दर्शन दे के बोला है कि मैं भोला हूँ मेरे ऊपर जल चढ़ा? नहीं। अरे वो नंदी कट रहा है, नंदी जिस पे वो सवार होके आता था, आज उस नंदी के साथ क्या अत्याचार हो रहा है? उसको दबाया जा रहा है, उस मूर्ति की पूजा करवाई जा रही है, उसको मामला बनाया जा रहा है कि और मामला दबाया जाए। कितनी करोड़ गायें हैं रोड पे? कितनी गायें हैं रोड पे? 5,000 गायें हैं, उनको 20,000 दिखाया जाएगा, उनका ठेका उठेगा, उनके पैसे खाए जाएंगे। जहाँ पर जो पैसा देगा वो इसी गौशाला में पैसे मिलेंगे, वही गौशाला जिस गौशाला में 1,000 गायें की क्षमता नहीं है, जिस गौशाला में एक गाय नहीं ले सकते। मैं एक बार एक वाक्य बताता हूँ, आज बच्चे भी साथ में होंगे। एक नंदी महाराज की 2 टांग टूट गई, गाड़ी भगागी। अरे बड़ी बड़ी गौशालाओं में जगह नहीं थी। और 2 दिन बाद मेरे पास सबूत है, कोई पूछ लियो भाई, वैसे नहीं भोंगता मैं। 2 दिन बाद जब एक गांव ने 1.5 लाख रुपए इकट्ठे करके उस गौशाला में दे दिए, तो मेरे भाई 40 गोवंश ले लिया उन्होंने। वो एक नंदी के लिए जगह नहीं थी उसके पास, क्योंकि मामला पैसे का है, गाय का मामला नहीं है। जो संपत्ति गौओं के नाम से जो धन इकट्ठा किया जाता है वो गाय का नहीं है, वो कमेटी पर्सनल है, वो गाय का तो उसमें कोई यकीन नहीं है। कौन देता है गाय को? हमारे सामने आके तो बोल ले एक बारी, हम बताते हैं 250-250 करोड़ रुपए की गौशालाएं हैं, पहले प्रदर्शन हो चुके। अरे रुक के पड़ गए, गौशाला चोर है, फिर भी वहां सरकार खाता मेरे पिए देने लग रही है। क्यों? क्या डरते हैं उनसे? हाँ डरते हैं, क्योंकि वो बड्डे बागड़ बिल्ले हैं। अजगरों का नाम सुना, देखे होंगे टीवी में, असली अजगर तो तुम्हारे बीच में बैठे हैं, डस जाएंगे डस, क्योंकि मामला पैसे का है। जब सरकार ही नहीं देगी 5,000 करोड़ रुपए में से, सरकार अगर 40% देती है तो हम गारंटी देते हैं कि भी गाय रोड पे नहीं होगी। अरे 5,000 करोड़ में से 40% भी नहीं ले सकती वो सरकार, नहीं देगी, सिर्फ नारा लगाएगी, नारा लगाएगी गाय बचेगी।